हेलो एंड वेलकम टू 35th एपिसोड ऑफ नी पेन रिलीफ सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नी कैप्स के बारे में। मुझसे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि हमें बताइए कि हमें कौन सा नी कैप यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी होती है नी कैप की। अब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि कौन सी नी प्रॉब्लम के लिए कौन सा नी कैप बेस्ट होता है। मान लीजिए किसी को मेनिस्कस टियर है तो उसके लिए अलग तरीके का होगा, लिगामेंट इंजरी के लिए अलग होगा, या हमारा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैटेलो फेमोरल सिंड्रोम, इतनी तरह की नी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए अलग अलग वैरायटी का नी कैप बना होता है। इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा नी कैप पहनना चाहिए और कितना देर पहनना चाहिए। ये सब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा नी कैप का क्या फंक्शन होता है, वो कौन सी इंजरी में हमें पहनना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो बेसिकली हम नी कैप्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जिसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा नी कैप बेटर है। सबसे पहले कैटेगरी आती है ओपन पटेला और क्लोज पटेला, यानी कि हमारा जो पटेला रिंग है, कईयों में वो पटेला रिंग दिया होता है और कई बिल्कुल सीधे नी कैप होते हैं बिना पटेला रिंग के। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी विद हिंजेस और विदाउट हिंजेस। हिंजेस तब लगाए जाते हैं, मीडियो लेटरल हिंजेस होते हैं, ताकि हमारे जो रोटेटरी कंपोनेंट्स हैं मेनिस्कस टियर में या लिगामेंट इंजरीज में, उसको सपोर्ट देने के लिए हिंजेस लगाए जाते हैं। तो एक विद हिंजेस आते हैं, एक विदाउट हिंजेस आते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी नी ग्रिप वाली और एक होती है रैप वाली। रैप वाला होता है जिसमें हमेशा हमें सॉक्स की तरह उसको चढ़ाना नहीं पड़ता, सीधा नी के अराउंड रैप करना पड़ता है, ग्रिप उसको थोड़ी ग्रिप कम होती है। जो सेकंड होता है, जो ग्रिप वाला होता है, उसको सॉक्स या स्टॉकिंग्स की तरह पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद एडिशनल स्ट्रैप्स आते हैं। तो वो जो कैटेगरी है वो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि उसमें जो हमारी ग्रिप है नी कैप को, नी को, वो ज़्यादा मिलती है। तो यह सिंपलेस्ट नी कैप, जिसमें हम कहते हैं बिना ओपन पटेला के, ये सीधा का सीधा, इसको नी ग्रिप ही बोलेंगे, क्योंकि ये ग्रिप की तरह सॉक्स की तरह ऊपर चढ़ाया जाता है। अब ये कई लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी डालते हैं, पर कईयों को डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ा ज़्यादा होता है, उनका ग्रेड हाई होता है, तो ये इतना सपोर्टिव नहीं होता है। और दूसरी इसकी ड्रॉबैक क्या है कि धीरे धीरे क्या करेगा, इस तरह से फोल्ड होना शुरू हो जाता है या यहाँ से लूज़ होना शुरू हो जाता है। जब ये लूज़ हो जाएगा तो ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम, मतलब पेशेंट को जो ग्रिप चाहिए होती है वो मिल नहीं पाती। तो इसलिए ये लीस्ट यूजेबल है, पर हम इसको क्या करते हैं, जैसे ओल्ड एज का पेशेंट है या उसको सर्दियों में ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव लगती है, जब वो रात को सोने लगता है तो वो ईजिली इसको पहन सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है, ये चीज़ ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा इलास्टिक मटेरियल होता है ये, और ये आपने ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपलेस्ट नी कैप है, पर इसके बजाय हम और भी नी कैप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब ये है हमारा ओपन पटेला नी कैप। अब ये जो पटेलो फेमोरल सिंड्रोम या कॉन्ट्रोमलेशिया पटेला जिनको होता है, उनके लिए इफेक्टिव होता है, और ये हमारा वॉकिंग में या स्टेयर क्लाइंबिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसने पटेला को कंट्रोल किया होता है। पर इसका भी यही है कि ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये लूज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारा नी कैप ओपन पटेला तो है पर स्ट्रैप वाला नहीं है। तो मैं इसके ज़्यादा ऊपर रखूँगा उसको, जो स्ट्रैप वाला भी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए उससे बेटर है जो हमने इससे पहले देखा था, क्योंकि ये ओपन पटेला है तो ये इजीली सपोर्ट करेगा। देखिए ये थोड़ा सा फर्मी यहाँ पे फर्म है, ये ग्रिप इन्होंने दी हुई है, और ये पैडेड है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है चलने में भी और स्टेयर क्लाइंबिंग में भी। अब देखिए ये हमारा फाइनल जो हमने नी कैप सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। अब देखिए, एक तो ये ओपन पटेला भी है, दूसरा ये नी ग्रिप था, यानी कि हमने इसको सॉक्स की तरह चढ़ाया, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने स्ट्रैप्स भी दिए हैं, स्ट्रैप्स दिए हैं ताकि हम इसको अपनी मर्ज़ी से टाइट और लूज़ कर सकें। अब देखिए यहाँ और यहाँ, अब इसका क्या बेनिफिट है बाकी नी कैप्स के ऊपर, कि ये नी कैप जो है ये कभी आपका टाइट ऑन लगेगा तो आप इसको लूज़ कर सकते हैं, अगर लूज़ होने लगे तो आप इसको मर्ज़ी से टाइट कर सकते हैं। जबकि बाकी नी कैप का जहाँ पे जो इलास्टिक होता है, अगर वो लूज़ हो गया तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, वो हमारा जो नी कैप है वो हमारा सपोर्ट नहीं देगा आगे से। पर ये हमारा, ये देखिए यहाँ पे पैडेड लाइन है पटेला के लिए भी, और ये मतलब इस नी कैप को हम 100 में से 100 मार्क्स इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ये हमारे सारे पर्पस फुल कर रहा है। एक तो पटेला को भी सपोर्ट कर रहा है, ये पैडेड भी है, ऊपर से इन्होंने स्ट्रैप्स भी दे दिए हैं, और ग्रिप भी है। ग्रिप, एक तो ग्रिप हमारी फर्म होने की वजह से ऑलरेडी हमारा नी को सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा हमारा यहाँ से स्ट्रैप होने की वजह से हम इतनी टाइटनेस और इसका जो लूज करना है वो अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं। तो ये बेस्ट नी कैप है इस कैटेगरी में। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ हो सकता है, पटेला फेमोरल में भी यूज़ हो सकता है, और बाकी मेनिस्कस और लिगामेंट इंजरी में जब पेशेंट ठीक हो चुका होता है उसके बाद भी वो इसको यूज़ कर सकता है अपनी इजीली ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ के लिए, डेली रूटीन की।
अब इसमें एक और चीज़ इन्होंने अच्छी दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास पीछे यहाँ पे ये होल्स हैं, ये होल्स इसलिए हैं ताकि हमारी जो एयर है वो इजीली पास हो सके, क्योंकि नी कैप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि पेशेंट को कई बार पसीना बड़ा आता है या बहुत प्रॉब्लम आती है, इरिटेशन होने लगती है, स्किन इरिटेशन होती है, तो इसके लिए एयर सर्कुलेशन के लिए उन्होंने यहाँ पे ये होल्स भी दिए हुए हैं, तो ये इजी चीज़ रहती है उनके लिए। अब देखिए ये है ओपन पटेला नी कैप, पर ये रैप कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें देखिए ग्रिप नहीं करना पड़ रहा हमें, ऊपर तक सॉक्स की तरह चढ़ाना नहीं पड़ता, इस तरह से सीधा रैप किया जाता है और साइड साइड पे इसके लगे हैं हिंजेस, और जो हिंजेस हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम अगर टिल्ट करें एक साइड को लें इसको, तो ये देखिए ये हैं यहाँ पे हिंजेस होते हैं। अब ये हिंजेस क्या है, इसका कुछ सपोर्ट कईयों को ये बेनिफिशियल लगते हैं, कईयों को बिल्कुल इरिटेटिंग लगता है ये, क्योंकि हिंजेस कई बार चुभते हैं, और इसका इस नी पटेला इस नी कैप में कोई भी रोल नहीं है। अब देखिए इसको साइड से देखें तो इस तरह से यहाँ पे भी एक हिंज दिया हुआ है, पर इसका कोई रोल नहीं है, इसको हम फोल्ड करें सीधा करें कोई ज़्यादा ये सपोर्ट नहीं देता, क्योंकि इसमें हमें ग्रिपिंग एक्टिविटी नहीं मिली। अगर ग्रिप के साथ ये होता तो थोड़ा बेनिफिशियल होता, पर रैप में इसको बिल्कुल हम डिस्कार्ड करेंगे, इस तरह का नी कैप हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसको लेने से ना सपोर्ट मिलती है और हिंजिस वाला इरिटेटिंग भी होता है। अब देखिए ये भी हमारी जो कैटेगरी है वो हिंजिस वाली कैटेगरी है। अब इस ये नी कैप हमारा काम आता है लिगामेंट इंजरीज में, मेनिस्कस इंजरीज में, क्योंकि नी को सपोर्ट देनी पड़ती है। अब जो पहला दिखाया था उसमें सिर्फ वो रैप था, अब इसमें हमें ये ग्रिप करके यानी सॉक्स की तरह इसको चढ़ा के उसके बाद हमने इसको दोनों तरफ से ऊपर और नीचे इन्होंने स्ट्रैप्स भी दिए हुए हैं, ओपन पटेला भी है, यानी कि ये सारे पर्पज़ हमारे पूरे कर रहा है। अब देखिए इस तरह से हम इसको स्ट्रैप कर सकते हैं, ये स्ट्रैप से एक तो उसकी पेशेंट की जो है वो ग्रिप बनी रहती है, और दूसरा ओपन पटेला होने की वजह से हमारा पटेला भी सपोर्टेड रहता है, और साइड में हमारे लिगामेंट्स के लिए हिंजिस भी हैं। ये देखिए यहाँ पे लिगामेंट्स के लिए हमारे हिंजिस भी हैं, इधर भी है मीडियल और यहाँ पे लेटरल साइड भी है, तो ये जो हिंजिस हैं, अब हम अगर नी को फोल्ड करना चाहें इसको फोल्ड कीजिए, इसको फोल्ड, अब देखिए यहाँ पे हमारे जो पूरे हिंजिस हैं ये सपोर्ट करते हैं, जब हम फोल्ड करते हैं तो वो साथ में फोल्ड भी होते हैं, तो इस तरह से ये पटेला जो हमारा ये यहाँ पे पटेलर पैड भी है, तो जब भी हमें पेशेंट को मेनिस्कस टियर या लिगामेंट इंजरी के लिए हम नी कैप देते हैं तो हम ये नियोप्रीन सपोर्टिव देते हैं हिंजिस वाला, ताकि उसके जो साइड्स हैं उसको कभी भी रोटेटरी कंपोनेंट है वो हमारे जो साइड्स पे हिंजिस लगे हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो रैप बिल्कुल नहीं लेना, उसके बजाय हम लेंगे जो हमारा हिंजिस वाला ओपन पटेला विद जो हमारी ग्रिप के साथ होगा, तो इस तरह से हम ये न्यूप्रीन मटेरियल ये है कि जो गर्मियों में भी डालने में काम आता है, उससे हमारा स्वेटिंग भी कम होती है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी यूज़ हो सकता है। तो हिंजिस वाला तब लिया जाता है जब मेनिस्कस और लिगामेंट इंजरीज हो। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा नी कैप कौन सी इंजरी में पहनना चाहिए, और नी कैप के बारे में सारी नॉलेज आपको मिल गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और किसी को नी कैप बाय करना है तो नीचे मैं आपको लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करके आप उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साइज़ के इश्यूज़ होते हैं तो इसलिए आप वहाँ से अपने आप बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिसको भी नी की प्रॉब्लम है और उसको नी कैप में कन्फ्यूज़न हो रही है उसकी कन्फ्यूज़न दूर कर दीजिए इसके वीडियो को शेयर करके, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। बाकी नी की जितनी एक्सरसाइज हैं पटेला से रिलेटेड, ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड, मेनिस्कस और लिगामेंट से रिलेटेड, वो सब मैंने आपको एक वीडियोस में बनाई हुई है, प्लेलिस्ट आपको मैं दे दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप सारी की सारी एक्सरसाइजेस देख सकते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है उसको भी लाइक और फॉलो कर लीजिए, और नी के एक्सरसाइजेस के लिए कुछ भी आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो वो भी नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।